हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करना है कि एफएमडीसी यानी फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज या जिसे आजकल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, इसका जो है वो मेरिट क्या होता है, इसमें जो है वो किन वे से हम अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए कितना कोटा होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसकी जो है वो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट क्या था, ये हम सारा इसमें देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ये जो सेकंड मतलब कैपिटल जो हमारा है इस्लामाबाद, उसमें जस्ट एक जो पब्लिक सेक्टर का यानी कि गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसकी जो एफिलिएशन है वो है पीयूएम से, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये जो है वो टॉप 10 जो पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स हैं उनमें इसका नाम आता है, तो इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की वो बढ़ जाती है। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें एडमिशन जो है वो दो वे से लिया जाता है, एक इनका अपना जो है वो एंट्री टेस्ट होता है, यानी कि पहले नम्स कंडक्ट करवाती थी, अभी एनटीएस के थ्रू जो है वो इनका कंडक्ट किया जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि जिस दिन एमडी कैड होता है उसी दिन ही जो है वो ये एफएमडीसी का एडमिशन टेस्ट होता है। तो फिर पंजाब के स्टूडेंट कैसे अप्लाई करते हैं, लास्ट ईयर उन्होंने ये किया था कि पंजाब के स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने कहा कि आप एमडी कैड के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो या तो आप वो टेस्ट दें, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं यानी कि आप दोनों साइड से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप एमडी कैट दें, एमडी कैट की बेस पर इधर भी अप्लाई कर दें पंजाब में और एफएमडीसी में भी अप्लाई कर दें, यानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी। तो इसका जो क्राइटेरिया होता है यानी कि एडमिशन का जो फार्मूला है वो है कि 50% एमडी कैट और 50% इसमें जो एफएससी के मार्क्स शामिल होते हैं। इसका जो एडमिशन टेस्ट होता है बिल्कुल उसका पैटर्न वही होता है, 200 मार्क्स इसमें जो जिस तरह लिया जाता है एमडी कैट का। और दूसरी एक बात कि सीट्स के हवाले से, इसमें जो ओपन मेरिट पे सीट्स हैं यानी कि जो एफएमडीसी में ओपन मेरिट पे अप्लाई किया जाता है वो टोटल 6 सीट है, वैसे इसकी जो है वो थ्रू आउट जो अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए जो फाइनल सिलेक्शन होती है वो जस्ट 100 की होती है। ओपन मेरिट पे 6 सीट्स हैं टोटल, जहाँ से भी आए, चाहे वो पंजाब से हो, गिलगित से हो, केपीके से हो, सिंध से हो। पंजाब की जो सीट्स हैं ओपन मेरिट पे वो हैं यानी कि पंजाब के रिजर्व कोटा समझ लें वो है 38 सीट्स, और जो सिंध है सिंध की टोटल 15 सीट्स हैं रूरल और दूसरा मिला के सही है। और जो केपीके की सीट्स हैं, केपीके की जो टोटल सीट्स हैं उसमें वो 9 हैं, और बलूचिस्तान की 5 हैं, गिलगित बल्तिस्तान और जो फाटक एरियाज हैं उनकी टोटल 2 सीट्स हैं, में कुल मिला के 100 सीट्स होती हैं जिनमें स्टूडेंट्स जो है वो फाइनल सिलेक्शन होती है। इनका जो मेरिट था लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट 2019 वो फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट थी उसमें तो बहुत अप था, लेकिन जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी उसमें ओपन मेरिट में 92.2 था इसका, और उसके साथ जो पंजाब का रिजर्व कोटा है उसका जो क्लोजिंग मेरिट था वो था 91.6। तो इसलिए ये एक बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए कि 92.2 ओपन मेरिट भी आ रहा है फाइनल, और जो 91.6 अगर हम कहते हैं कि क्लोजिंग मेरिट है तो पंजाब के स्टूडेंट्स इसमें जो है वो बेनिफिट उठा सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरह से सेकेंडरी जो आप इसको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, जिस तरह नम्स का है या एएमसी का है इसी तरह आप जो फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ये जो है वो कैपिटल जो हमारा है उसमें जस्ट एक पब्लिक सेक्टर का कॉलेज है, और इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि इसका जो एफिलिएशन है इसकी वो है पिम्स के साथ। पिम्स आप जानते हैं कि पिम्स हॉस्पिटल पाकिस्तान के टॉप 10 हॉस्पिटल्स में इसका शुमार होता है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। तो इसमें भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, चाहे पंजाब से हो, केपीके से हो, सिंध से, बलोचिस्तान से, या फिर आप अपन मेरिट अप्लाई कर सकते हैं।